दिल के आनंद। गुरुग्राम में बिल्डिंग हादसा, चार मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग के मलबे में 8 लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की 3 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना। घटनास्थल की जगह पर राहत और बचाव का काम जारी। लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश है। सुबह करीब 5 बजे हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी बिल्डिंग। गुरुग्राम के उल्लावास गांव की घटना, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों में टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोगों की जलकर मौत। यूपी के रामपुर में घर में रखे सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका, घर के उड़े पर खर्चे, 1 की मौत। सिलेंडर के आग पकड़ने के बाद घर में रखे पटाखों में हुआ ब्लास्ट, 1 के बाद 1 कई धमाकों से ढह गया घर। पंजाब के तरन तारण में ट्रक और बाइक के आमने सामने की टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, जिंदा जला बाइक सवार। महाराष्ट्र के अकोला में तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर 3 बाइक सवारों की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। बिहार के समस्तीपुर में सिलेंडर फटने से 36 घर जलकर राख, 25 लाख से ज्यादा का नुकसान। पुणे में कैमरे में कैद हुआ हैरतअंगेज हादसा, स्कूल की बस ने 1 महिला को रौंदा। कोलकाता में रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा में देरी को लेकर छात्रों का हंगामा, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी के मेरठ में लॉटरी के रुपयों के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थरबाजी। बिहार के गया में छात्रों से छेड़खाने के चलते मनचले की पिटाई, गुस्साए लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के चलते ठप हुए रास्ते, सैकड़ों पर्यटक जहां तहां फंसे। रुद्रप्रयाग के चौपटा और ओखीमठ में भी जबरदस्त बर्फबारी, मशीनों की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार 2 दिन से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी, मुंशियारी का संपर्क 2 दिन भी देश से कटा रहा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी, जगह जगह सड़कों पर फंसे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी जारी है बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। अमेठी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रायबरेली के सलोन में कांग्रेस अध्यक्ष का रोड शो, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी महासचिव का पद संभालेंगी प्रियंका गांधी, 10 फरवरी को लखनऊ में हो सकती है पहली रैली। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, बेहद कर्मठ और काबिल है मेरी बहन। प्रियंका गांधी के भरोसेमंद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को मिली नई जिम्मेदारी, यूपी में बनाया गया मीडिया प्रभारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अपने पुराने चेहरे और पूर्व मंत्री को मैदान में उतारने की तैयारी, राहुल ने हर सीट पर मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान, सूबे की हर लोकसभा सीट में जीत कर राहुल के साथ हाथ को बनाया मजबूत। सियासत में प्रियंका की एंट्री पर टीएमसी ने कांग्रेस को दी चुनौती, कहा सिर्फ यूपी क्यों, मिलनी चाहिए पूरे देश की कमान। शिवसेना ने प्रियंका गांधी की एंट्री को बताया बड़ा कदम, कहा लोगों को उनमें नजर आएगी इंदिरा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मोदी को हटाने के लिए किसी को भी देंगे समर्थन। वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में केजरीवाल ने वोट बटने को लेकर किया आगाह, कहा दिल्ली में बीजेपी का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी। आप विधायक अमतुल्ला खान ने दिल्ली के मुसलमानों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की, बोले कांग्रेस को वोट दिया तो होगा बर्बाद। केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने ऑटो पर चिपकाया पोस्टर, बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको वोट दें। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का चुनावी लॉलीपॉप, दिल्ली के इमामों को 10,000 की जगह अब मिलेगा 18,000 वेतन। अरुण जेटली के विदेश से इलाज कराकर लौटने तक वित्त मंत्री का भी काम करेंगे पीयूष गोयल, संसद में पेश कर सकते हैं बजट। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक आज, पीएम सीजेआई और नेता विपक्ष करेंगे चयन। कश्मीर के बारामूला में सेना ने 3 आतंकियों का किया सफाया, तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़। 3 दिनों में सेना ने 9 आतंकियों का किया सफाया, बारामूला, शोपिया और बडगाम में बड़ी कामयाबी। कुंभ में आज 3,000 प्रवासी भारतीय लेंगे आस्था की डुबकी, संगम स्थान में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के मिजाज को लेकर इंडिया टुडे का आरबीएन साइट्स का बड़ा सर्वे, एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को मिल सकती है 58 सीटें। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।